नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और मैं लेकर आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक नया मोटिवेशनल वीडियो। क्या आप कभी अपने आप में ये सोचते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा क्या काम है, मेरा क्या पर्पस है, मुझे क्यों भेजा गया है? हर सोल, हर एक आत्मा इस दुनिया में अपना कर्म करने आती है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। हर किसी के भगवान ने कर्म लिख कर भेजा है। जब हम पैदा होते हैं, पैदा होते ही हमारे कर्म लिखे जाते हैं सबसे पहले, क्यों इस दुनिया में हमें क्या करना है, किसके साथ हमारा विवाह होगा, किसके साथ हम क्या संबंध रखेंगे, क्या हमारे माँ बाप होंगे, कैसे हम घर में पैदा हुए होंगे और किस हालात में हम रहेंगे। हर एक मिनट, हर एक क्षण, हर एक पल, एक एक सेकंड की आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये हकीकत है, बिल्कुल ही हकीकत है कि हमारा जो लिखा हुआ है उसके अलावा हमारी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं हुआ है। आपने लाख कोशिश की होगी, लाख गुना आपने हाथ पैर मारे होंगे, हर एक रास्ता अपना लिया होगा, लेकिन काम वही हुआ होगा जो होना है। इसे कहते हैं जो होना है वो होकर ही रहेगा। आप लाख कोशिश कर लीजिए, पत्ता यहाँ के वहाँ नहीं हिलता है दोस्तों। क्यों क्यों इसलिए मैं इसलिए विश्वास से कह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी भी आधी तो हो ही गई है। हर एक पल मैंने एक एक पल मैंने ऐसा महसूस किया है, भले ही आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन मेरा भी एक एक्सपीरियंस है कि जिस दिन से मैंने इस दुनिया में कदम रखा है उस दिन से वही वही हो रहा है, और मैं चाहती कुछ और हूँ और होता कुछ और है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुझे भगवान ने कुछ और पर्पज़ से भेजा है, मुझे कुछ और करना है, और मैं अगर दूसरा कुछ करूँगी तो जो किस काम के लिए मैं आई हूँ वो नहीं कर पाऊँगी। और हमेशा भगवान वहीं भेजता है जहाँ आपकी ज़रूरत होती है, जिस काम के लिए आपको बनाया गया है, जिस काम के लिए आप इस धरती पर आए हो। और हमेशा आपने देखा होगा, हर कोई इंसान सक्सेसफुल क्यों नहीं हो जाता, हर किसी को कामयाबी क्यों नहीं मिल जाती, हर कोई इतना अमीर क्यों नहीं बन जाता, हर कोई इतना ज्ञानी, इतना अच्छा साइंटिस्ट बन जाए, हर कोई चाहे तो अच्छे से अच्छा साइंटिस्ट बन के इस दुनिया का नया नया आविष्कार करे, अच्छे से अच्छा अमीर बिजनेसमैन बन जाए, अच्छे से अच्छे टीचर बन जाए आप। क्यों? क्योंकि बनते वही है जिस लिए हमें यहाँ दुनिया में भेजा है भगवान ने। जो काम हम कर सकते वही करेंगे, ना कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से कभी सोचो, कभी आपने छोटा सा एक एग्जांपल बता रही हूँ, कभी भी आपने मन में सोचा होगा कि मैं ये काम कर लूँ तो मैं आगे तरक्की कर लूँगा, लेकिन आप करोगे तो जबकि आपके नसीब में लिखा होगा। इसे कहते हैं किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कभी नहीं मिला दोस्तों। हमेशा उस ऊपर वाले पे विश्वास ज़रूर रखिए। जितनी भी आपको गिले शिकवे हैं, जितनी भी आपके मन में सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, मैं ही ऐसा क्यों हूँ, मुझे ही क्यों नहीं मिलता, क्यों, आप एक बार सिर्फ एक्सपीरियंस करके अपने मन में आप ये सोच लेंगे कि कभी मैंने जो चाहा है वो मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? शायद भगवान ने मेरे नसीब में नहीं लिखा होगा वो, इसलिए मुझे नहीं मिला। बस अगर आप इतनी सी बात आप अपने मन में सोच लोगे ना, तो आज के बाद आपके मन में जो बेचैनी है, जो चिंता है, जो एक अजीब तरह की परेशानी है जिस चीज़ का कोई हल नहीं है, वो चीज़ आपकी दिल से, दिमाग से निकल जाएगी। आपको इतना सुकून, इतनी शांति मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। एक बार दोस्तों अपने आप पर ट्राई करके ज़रूर देखिए। इसलिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है, जीवन का अटूट सत्य, मरना हमारा एक अटूट सत्य है। इस दुनिया में हमें पैदा कब और किस क्षण आना है वो भी भगवान ने ही डिसाइड किया हुआ है। हमने अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए हैं। क्यों? जिस दुनिया में हमें वो भेज रहे हैं, उन्हें कब भेजना है, किस लिए भेजना है, कैसे घर में भेजना है। आप एक अमीर घर में भी आप सोचते होंगे, मैं अमीर घर में क्यों नहीं पैदा हो गया, मैं भी अम्बानी के घर में पैदा हो जाता तो मेरा भी नसीब खुल जाता। हर कोई यही सोचता है कि मैं भी अम्बानी के घर में होता तो मेरे भी आज राजपाट होते। ये ऐसा इसलिए है दोस्तों कि हर किसी का नसीब अलग अलग है, हर किसी की किस्मत में कुछ अलग लिखा हुआ है, हर कोई कुछ अलग करने के लिए आया है इस दुनिया में। इस दुनिया में हर एक इंसान की
एक एक क्षण एक एक पल की लिखा जोखा है भगवान के पास। आप जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हो, इसलिए कुछ भी करने से पहले प्लीज़ एक बार भगवान पर विश्वास ज़रूर रखना और ये सोचा करो कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे ऊपर वाला देख रहा है। हमेशा ट्रस्ट रखिए अपने आप में, अपने मन में विश्वास बनाए रखिए। ओके दोस्तों, आई होप आपका इससे थोड़ा बहुत मोटिवेट हुए ज़रूर होगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।